हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पारा मेडिकल का नंबर वन चैनल बायो वर्ल्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 9। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग रूल्स को देखते हैं। रूल नंबर 9 में है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। कलेक्टिव नाउन दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वो होते हैं जो कि पूरे समूह को एक ही वर्ड में डिनोट करते हैं। जैसे द हर्ड ऑफ काउ, काउ के पूरे समूह को यहाँ पे हर्ड बोला गया है, तो यहाँ पे एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे है सेकेंड एग्जाम्पल में, द कमिटी हैज यूनैनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। कमिटी मतलब कि एक दल है, पूरे दल में जितने भी मेम्बर हैं सबको एक वर्ड में कमिटी बोला गया है, वो डिसीजन लिए एक मत रूप से। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया कमिटी, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब हैज का यूज करेंगे। रूल ये है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। जहाँ भी कलेक्टिव नाउन रहेगा हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों रूल नंबर 10, इसमें और भी एग्जाम्पल थे, एक नोट में भी था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, यानी दोस्तों कि उसको जितने भी ग्रुप में मेंबर है, जितने भी सदस्य में मेंबर है, सबको अलग अलग करके डिवाइड करके कुछ बोला जाए, प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए, तो प्लुरल वर्ब एवं प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग करें। जैसे द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। ज्यूरी मतलब कि ज्यूरी एक समूह है, डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, उनको सबको बांट दिया गया उनके विचारों में। तो यहाँ पे प्रत्येक सदस्य की अलग अलग बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे प्लुरल वर्ब यूज करेंगे आर। और इसका एक और एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स, मतलब जितने भी ऑडियंस है सभी ने अपने अपने सीट्स को लिए, टेक किए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रत्येक ऑडियंस के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग हैव का यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है दोस्तों, प्लुरल संख्या के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब कि प्लुरल सब्जेक्ट है हमारा, तो हम लोग प्लुरल वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस रूल को हम लोग आगे भी पढ़े थे, प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल वर्ब। जैसे यहाँ पे 100 बॉयज, यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉय है, 100 बॉयज प्लुरल बना है, तो यहाँ पे हम लोग प्लुरल वर्ब आर का यूज करेंगे, 100 बॉयज आर इन माई क्लास। अब है दोस्तों, अगर कार्डिनल ऑब्जेक्टिव, कार्डिनल ऑब्जेक्टिव उसे बोलते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, ये सिर्फ कार्डिनल ऑब्जेक्टिव है के साथ प्लुरल नाउन का प्रयोग हो। ठीक है दोस्तों, अगर इनके साथ कार्डिनल ऑब्जेक्टिव के साथ प्लुरल नाउन का प्रयोग हो, तथा प्लुरल नाउन से सर्टेन अमाउंट मतलब कि उसे निश्चित मात्रा का पता चले, सर्टेन वेट, सर्टेन वेट मतलब निश्चित वजन का पता चले, सर्टेन पीरियड निश्चित अवधि का पता चले, सर्टेन डिस्टेंस निश्चित दूरी, सर्टेन हाइट निश्चित ऊंचाई का बोध हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लुरल वर्ब का। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अगर कार्डिनल ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4 ये सब है, उसके साथ प्लुरल नाउन का प्रयोग है, लेकिन अमाउंट निश्चित है, उसका वेट निश्चित है, पीरियड निश्चित है, डिस्टेंस निश्चित है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यानी अगर प्लुरल संख्या को सिंगुलर यूनिट में प्रयोग करें, प्लुरल संख्या है लेकिन उसका पूरा यूनिट हम लोग को सिंगुलर दिखा रहा है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे है, 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट, उसके पॉकेट में 100 रुपीज़ है, लेकिन वो एक ही बार बता रहा है कि 100 रुपीज़ इज इन माई पॉकेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वो निश्चित अमाउंट बता रहा है, कितना रुपया उसके पास है, 100 रुपीज़। तो जब निश्चित अमाउंट दिखा है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड एग्जाम्पल है, 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। यहाँ पे 10 miles मतलब कि निश्चित दूरी बता रहा है कि 10 मील दूरी है इसका, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें भी नोट करके दिया हुआ है, सब रूल में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लुरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो, मतलब कि अलग अलग यूनिट का बोध हो, जिस तरह हम लोग पहले देखे थे, जैसे यहाँ पे 100 रुपीज़ एक ही दिखा दिया, लेकिन अलग अलग यूनिट का बोध होगा, तो प्लुरल माना जाता है, और इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट्स। 100 रुपीज़ को पूरे स्टूडेंट्स में बांटा गया, तो यहाँ पे सबको बांट दिया गया, तो इसे सब का डिनोट हो रहा है, इसलिए हम लोग प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब है नोट द डिफरेंस।
ये दोनों में हम लोग को डिफरेंस दिखाया गया है। 5000 रुपीज़ इज अ हैंडसम अमाउंट, 5000 रुपीज़ जो है एक अच्छा अमाउंट है। यहाँ पे 5000 रुपीज़ को एक ही बार बोला गया है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज़, मतलब 5000 रुपया को अलग अलग यूजफुल चीज़ में मतलब खर्च किया गया। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन मतलब कि भेज डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा है, तो हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में बोला गया है, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट, ये सब जो है दोस्तों ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव मतलब होता है दोस्तों जोड़ना, किसी जो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसके बाद जो भी वर्ब है उसको एक दूसरे से जोड़ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट इत्यादि के द्वारा एक सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ा जाए। ठीक है दोस्तों, एक सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। मतलब कि जहाँ भी हु विच दैट आएगा उसके पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वोमैन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। ठीक है दोस्तों, सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वोमैन, वो एक अच्छी औरत है। दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, जो पहले जो कभी यहाँ रहा करती थी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो हैव यहाँ पे पहले हैज लगाया था जो कि गलत हो गया, उसके बाद हम लोग हैव का यूज किए। तो यहाँ पे हैव किस अनुसार आया, देखिए यहाँ पे जैसे कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आया वो मैन वुमेन, तो वुमेन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम लोग इसके अनुसार ही प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वुमेन के अनुसार प्लूरल वर्ब हैव का यूज हुआ। इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट रहेगा तो उसके जस्ट पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरी वन हुम, ठीक है, आई एम नॉट वन, मैं वैसा में से नहीं हूँ, दोज हु विल ट्रस्ट एवरी वन हुम आई मीट। ठीक है दोस्तों, कि मैं जिससे भी मिला तुरंत उस पर ट्रस्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग को वर्ब यूज करना है दोस्तों, कि वर्ब किसके अनुसार, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु है तो हु के जस्ट पहले दोज है, तो दोज के अनुसार यहाँ पे आई सिंगुलर में यूज होता है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग इसका प्लूरल दो यूज करेंगे। तो दोज के अनुसार यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे दे। ठीक है दोस्तों, आई की जगह दे लगाएंगे, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट था उसी के अनुसार इसका वर्ब लगा। तो इस तरह से हम लोग इस रूल को ध्यान में रखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो भी रहेगा उसके पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार वर्ब लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 है दोस्तों, इच एवरी एवरी वन समवन समबडी नोबडी नन वन एनी मेनी ए। ठीक है दोस्तों, मेनी ए लिखा हुआ है, मोर देन वन, सिस ये सब सिंगुलर है, ये सब जहाँ भी रहेंगे दोस्तों ये सब सिंगुलर सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब हैं तो फिर सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट ये सब आएंगे तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, और सिंगुलर वर्ब तो यूज करेंगे, नाउन भी इसका सिंगुलर होगा और सिंगुलर प्रोनाउन सारा इसमें जो भी आएगा सब सिंगुलर ही होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, इच स्टूडेंट हैज कम। ठीक है, तो इच यहाँ पे सिंगुलर वर्ड है तो इसके अनुसार हैज लगा जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, इच बॉय एंड इच गर्ल हैज कम। ठीक है, यहाँ पे इच बॉय इच गर्ल प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की के बारे में बात कर रहा है, तो इच के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हम लोग हैज लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इच के अनुसार सिंगुलर हैज लगा है। थर्ड एग्जाम्पल है इसका, वन मस्ट टोलरेट वंस फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, मतलब कि यहाँ पे जो वन आया है उसके अनुसार इसका जो प्रोनाउन यूज हुआ है वंस, तो इसी के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, तो वन जब भी आता है दोस्तों तो हम लोग वन से रिलेटेड ही इसका प्रोनाउन लेते हैं, तो यहाँ पे हीज ले लिया था जो कि गलत है, तो वंस ही यूज होगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी ये सारे वर्ड्स आते हैं, जो भी वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सब सिंगुलर वर्ड्स हैं, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और सिंगुलर नाउन भी लगाएंगे और सिंगुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी है मेनी ए, ये सब वन, ये सबसे बहुत सारे एरर्स देते हैं एग्जाम में। वन रहेगा यहाँ पे हिज रहेगा, तो हम लोग को यहाँ पे वंस लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हिज सही कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा,
मेनी ये हमेशा सिंगुलर होता है दोस्तों, लेकिन अगर मेनी रहेगा तो प्लूरल होगा, मेनी के साथ ए लगा हुआ है तो सिंगुलर हो जाता है, तो मेनी ए के अनुसार यहाँ सिंगुलर वर्ब है जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे डियर लगा दिया था जो कि प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके अनुसार हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज करेंगे, यहाँ पे हिज प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये सब वर्ड में सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मोर देन वन मतलब एक से अधिक, तो यहाँ पे मोर देन वन भी सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आया है वाज, और सिंगुलर नाउन भी आया है मैन, ना कि मेन। ठीक है, मेनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें। अब मेनी का देखिए दोस्तों, मेनी ए है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर आया है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी आया, लेकिन सिर्फ मेनी रहेगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, फिर प्लूरल नाउन लेगा मेन, तो फिर प्लूरल वर्ब भी आएगा। मेनी प्लूरल होता है दोस्तों, लेकिन मेनी ए सिंगुलर होता है। उसी तरह से ए ग्रेट, ए गुड, मेनी, ये प्लूरल वर्ब होते हैं, ये प्लूरल के साथ यूज होते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन आया है और प्लूरल वर्ब भी आया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग इस 12 नंबर रूल जो बहुत ट्रेंड था, इसको आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 बोल रहा है दोस्तों, अगर इच, एवरी, वन, ये सब जो वर्ड है इसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद अगर इच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ आता है, वो ऑफ के बाद आने वाला नाउन और उसके बाद जो नाउन आएगा अथवा प्रोनाउन, जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा इच ऑफ, वन ऑफ, एवरी ऑफ के बाद, वो प्लूरल होता है। ठीक है, प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब, प्रोनाउन इत्यादि वहाँ तक प्लूरल रहेगा, लेकिन उसके बाद जो भी हम लोग वर्ब लगाएंगे, प्रोनाउन लगाएंगे, सिंगुलर सिंगुलर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, वन ऑफ, वन के साथ ऑफ लगा है, तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन आया द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, लेकिन इसके बाद फिर जो भी आएगा सब सिंगुलर आएगा, तो हम लोग वन ऑफ द बॉयज के अनुसार यहाँ पे प्लूरल नहीं लगा देंगे, यहाँ पे वन के अनुसार लगता है सिंगुलर वर्ब लगेगा, हैज, वन ऑफ द बॉयज हैज डन, यहाँ पे पूर्ण सिंगुलर प्रोनाउन भी लगा हिज। ठीक है दोस्तों, तो वन ऑफ के साथ ईच ऑफ जहाँ भी रहेगा उसके बाद अगर प्लूरल वर्ब आता भी है, फिर भी हम लोग उसका फिर उसके आगे आने वाला प्रोनाउन सब सिंगुलर होगा। ठीक है दोस्तों, अब है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 कहता है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। रूल नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, रूल 15 में बोला जा रहा है इनडेफिनेट प्रोनाउन वन। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी वन का प्रयोग होगा, वन प्रोनाउन का, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, मतलब वन अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में आगे में आए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, मतलब वन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे बोल रहा है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन, और वन के लिए हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही वन या वंस, वन सेल्फ, ये सब का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तथा इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस, वन सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि इसके साथ हम लोग ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ लगाएंगे। जब भी इसके साथ वन के साथ ही लगा रहेगा, हिम लगा रहेगा, हिज, हिमसेल्फ लगा रहेगा, तो हम लोग उसको गलत करेंगे और उसके साथ वन, वंस और वन सेल्फ का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, यहाँ पे वन के अनुसार हिज लगा है तो ये गलत हो गया दोस्तों। अब हम लोग वन के साथ वंस का प्रयोग करेंगे, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों 15 तक इसका रूल पढ़ लिए। इसके आगे रूल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इंग्लिश की क्लास अच्छी लगती है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट लगती है, तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके और आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।